हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये अपना बैक प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के विच मैं थोनो अपर स्पाइन और अपर बैक प्रॉब्लम्स बारे गाइड कीता सीगा। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के विच मैं थोनो लोअर बैकिक लोअर स्पाइन प्रॉब्लम के बारे थोनो गाइड करांगा। इसको किस तरह छुटकारा पाना है, तुम्हारे बैठने के पोस्चर की होने चाहिए ने। बहुत सारे स्कूल के बच्चे मैं काफ़ी देख रहा वहाँ, और ऑफिस वर्क के भी काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ, उन्होंने बैठने का पोस्चर सही नहीं होता। सो मैं पहला पोस्चर बारे तो दसदा कि थोड़े बैठने का पोस्चर बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। स्पाइन बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए है, बॉडी बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री की होनी चाहिए है, और आर्च बनी होनी चाहिए। और स्कूल के बच्चे भी और अडल्ट एज के जो पर्सन ने बैठने का पोस्चर इस तरह होता है, बेंड किया होता अपनी स्पाइन को, और कंप्यूटर और लैपटॉप से वो इस तरह काम करते होते, जो लैवल इस तरह चाहिए, नैक स्ट्रेट चाहिए है, और जिसके नाली बैक प्रॉब्लम स्टिफनैस है, चाहे मसल स्टिफनैस है, चाहे बैक प्रॉब्लम है, स्पोंडिलाइटिस है, वह तो छुटकारा पाया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थानू अपने ऑफिस के स्टडी टेबल के उत्ते अगर तुम किस तरह भी बैठना है, वो थोड़ा पोस्चर इस तरह होना चाहिए, ठीक है। पहली गाइडेंस तो यही है। सेकंड गाइडेंस मेरी है कि थोड़ी आर्च बनी होनी चाहिए, थोड़े अपर हिप्स जोड़े है वो बाहर होने चाहिए, स्पाइन अंदर होनी चाहिए है। इस दे नाल थोड़े जोड़ा हिप बोन का जोड़ा अंदर एक गोला होंगे वा, कैप्सूल होंगे वा, जिदे थाई की सब तो वड्डी बोन है साड़ी बॉडी के, फीमर बोन है, वह जो हैड आ फिक्स हो जाता कैप्सूल के। इस दे नाल तुहाडे अगर बैक पेन के नाल नाल तुहाडे थाइस दे विच भी पेन जाती है, या अपर ग्लूट मसल्स अपर हिप्स दे विच भी पेन जाती है, उतों भी तुसीं रिलीफ महसूस करोगे। सैकेंड एक इहदे विच की यूज करनी हैगी है, वो की ये हैगी है कि तुसीं अपने एम्बलाइकस तो लोअर अपडोमन जिहड़ा एम्बलाइकल तो थले थले लोअर अपडोमन नूं हमेशा टाइट रखना है। टाइट रखने दे नाल एक तुहाडे लोअर अपडोमन टाइट रहेगा, इहदे नाल ही तुहाडे स्पाइन दे लोअर लंबर स्पाइन दे जिहड़े मसल्स आ वह भी टाइट रहेंगे, जिहदे नाल तुहानू फॉरएवर बैक प्रॉब्लम दी लंबर स्पोंडिलाइटिस नहीं होएगा। अगर है तो उस तो तुसीं रिलीफ महसूस करोगे, पेन महसूस करोगे। सो ये दो तीन मेरिया जिहड़ियां गाइडेंस हैगियां वा, इन्हां नू अगर तुसीं अपनाओगे तुहाडी पेन तो तुसीं और मसल स्टिफनैस तो तुसीं रिलीफ होवोगे। सो मेरी इस वीडियो दे विच दिती हुई सलाह और गाइडेंस अगर तुम्हें चंगी लगी है तो मेरी इस वीडियो को वध तो वध शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सबसक्राइब करो। और आने वाली वीडियो के बीच मैं तुम्हें यह भी दसागा कि इन्हां दी एक्सरसाइजेज बेस्ट एक्सरसाइजेज की है विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, जो एक्सरसाइजेज तुम अडॉप्ट करोगे, उन्होंने फॉलो करोगे, वो एक्सरसाइज रोजमर्रा की जिंदगी लैके आओगे, तुम्हें काफ़ी बेनीफिट महसूस होगा। सो थैंक यू।